मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं चांदनी, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी औलाद में फर्क नहीं करना चाहिए था। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं ठीक हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप भी अपनी जगह मजबूर थी। मैंने एनी के साथ भी अच्छा नहीं किया ना, अगर मैं शावे से उसकी शादी कर देती तो वो इतनी बड़ी गलती ना करती, और अब वो चली गई मुझे अकेला कर गई। मम्मा आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। कभी कभी इंसान भीड़ में भी बिल्कुल अकेला होता है, भरे पूरे घर में भी तन्हा रह जाता है। एनी से मेरी बेटी तो नहीं थी, मेरी गमगुसार थी, मेरी सहेली थी। उसकी जुदाई ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। एहतियात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत मेहमानदारी थी ना, थकावट हो गई होगी। थकावट नहीं है अम्मा, डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई है, आप दादी बनने वाली हैं। ताखे? जी। बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत मुबारक हो। बस अब जैनब का बहुत ख्याल रखना है हमें। भाई आप फिक्र ना करें, हम भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे। बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि इसे बाकायदगी से डॉक्टर के पास ले जाते रहना, और तुम भी अपना ध्यान रखना, ध्यान से चलना। बेटा अगर बहुत थक नहीं गए तो मुझे जरा शावेज के यहाँ ले जाओगे? आर्या से मिलने का दिल चाह रहा है। जी जी अम्मा। मैं तैयार हो जाती हूँ, बस जैनब यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। जीती रहो। हाँ बाकी मामलात में आके देखता हूँ। अल्लाह हाफिज़। राम वो, मैं बहुत खुश हूँ, मगर एनी आपा के हादसे के बाद मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। देखो एनी आपा का केस डिफरेंट था, डॉक्टर ने पहले ही उन्हें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दिया था, हर औरत के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ मगर फिर भी जैनब खुद को मजबूत बनाओ। देखो अम्मा तो बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। वक्त पर दवाइयाँ लो, खाना खाओ ठीक से, हम कल दोबारा डॉक्टर के पास चलेंगे, एक दफ़ा चेकअप करा लेते हैं, फिक्र की बात नहीं है।